नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AS अकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि जेल प्रहरी 2020 में काफी कंपटीशन होने वाला है और याद रखिएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बात आपको अच्छे से याद रखनी कि हर विषय में आपका स्कोरिंग मार्क्स अच्छा होना जरूरी है। अधिकतर जो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि परेशान होंगे वो गणित सब्जेक्ट में होंगे, क्योंकि जो एमपी जेल प्रहरी लेवल का जो एग्जाम होता है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा 10th लेवल का पूछा जाता है और उसकी जो मिनिमम एजुकेशन होती है वो 10वीं पास होती है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का गणित कमजोर होता है, वो गणित प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए वो कमजोर रहते हैं और गणित के कारण उनको काफी परेशानियां झेलना पड़ती है। यदि वो मेरिट में भी आ रहे हैं, थ्योरी सब्जेक्ट का पोर्शन वो कम्प्लीट भी कर लेते हैं, यदि गणित में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो वहां पर उनका मेरिट में आना मुश्किल हो पाता है। तो दोस्तों आज हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स मैथ्स में बड़े कमजोर हैं। ध्यान रखिएगा मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं जो गणित में अच्छे होशियार हैं। यदि आप होशियार हैं और आपको लगता है कि वीडियो आपके लायक नहीं तो आप वीडियो को देखना भी बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट्स जरूर देखें जो गणित में कमजोर हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है और आपकी जो मैथ्स दोस्तों 20 नंबर की पूछी जाना है, आप मान के चलिए यदि आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए तो आपके 15 से मैं 20 में 20 तो नहीं बोलूंगा कि आपको 20 में 20 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैं इतनी जरूर बोल सकता हूं आपसे कि यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आपके 15 से लेके आप 17 नंबर तक आप आराम से ले सकते हैं इन टॉपिक को पढ़कर। और यदि आपको लग रहा है कि आपका जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैथ्स का सब्जेक्ट वीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, सारे टॉपिक को मैं बताऊंगा। और वही टॉपिक हैं जो मैंने कम से कम 15-20 पेपर को लिया, उनका एनालिसिस किया, उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं। और आपने इतना टॉपिक कवर किया तो 100% आपको मैथ्स में सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट की बात करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि टॉपिक हमारा पहला है, मैंने इधर पे लिखा है चाल, समय, दूरी, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। यहां पर एक क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको जैसे कोई ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि उसकी स्पीड क्या है या उसका समय क्या है या वहां से वहां तक उसने कितनी दूरी तय की है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो चाल, दूरी और समय वाला टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ना है, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है जो आपके जैसे कि 10th लेवल के एग्जाम में, 12th लेवल के एग्जाम में, ग्रेजुएशन कंबाइन एग्जाम में जो जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लगा लेना, आपका 100% इससे एक क्वेश्चंस आता ही आता है। मैंने जितने भी पेपर का एनालिसिस किया सभी में एक क्वेश्चंस पूछा गया, किसी किसी में दो क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो यहां से आपका एक नंबर पक्का तय हो जाता है। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक हमने बताया है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये पूरी एक ही चीज है लेकिन आपको अलग अलग पूछ ली जाती है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि वस्तु इतने की खरीदी तो इसमें लाभ कितना हुआ, कभी कभार पूछ ली जाती है वस्तु इतने में बेची तो हानि कितनी हुई या लाभ क्या हुआ, ये वस्तु इतने में खरीदी जाए तो इतने में बेची जाए तो क्या लाभ हानि होगा, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसका भी लगभग सभी पेपर में पूछा गया है, तो आप मान के चलिएगा आपका एक नंबर यहां पर फिनिश कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो नाव धारा से रिलेटेड आते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो आपकी नाव धारा से रिलेटेड कि भैया इस मतलब धारा इस समय चल रही है या नाव इस समय धारा की दिशा में चल रही है तो इधर पे उसको कितना समय लग रहा है, या फिर धारा की अपोजिट डायरेक्शन पूछ ली जाती है या उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन पूछ ली जाती है, तो नाव धारा से रिलेटेड भी आपके यहां पर क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वो सिंप्लीफिकेशन, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए, यहां से कम आपके हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सरल होते हैं। मैं एक दिन अभी आपको ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो आपको एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रहा हूं कि इतने टॉपिक आप कवर कर लो, यदि आप गणित में कमजोर हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा प्रायिकता। अब बहुत सारे लोग, मैं एक बात और बता दूं, इस वीडियो को देख के वो ये भी बोलेंगे कि यार आपको कैसे पता है कि इसी टॉपिक से आएगा। मैं बोल रहा हूं कि मैंने कम से कम 10 से 15 पेपर हैं जो उसका एनालिसिस किया, उस पर बात ही कर रहा हूं, उसी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वही टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन रिपीट हुए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो सिंगल बार पूछा गया है। ऐसे टॉपिक सारे ही जो कम से कम 5 से 7 बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हर एग्जाम में, और पक्का कभी एक कभी दो क्वेश्चंस पूछा ही पूछा गया। इसलिए कॉमन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप मैथ्स में वीक हैं तो इतने टॉपिक कवर कर लेना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका टंकी और पाइप से, टंकी और पाइप से कि कितने समय में टंकी भर जाती है, कितने समय में टंकी खाली हो जाती है, कितने पाइप, कौन से पाइप से भरेंगे तो कितने समय में भरेगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो पाइप टंकी में क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी टैंक एंड पाइप में, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे ऊंचाई दूरी की, ऊंचाई दूरी से पक्का आराम से 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में मैंने देखा है कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं, आपके 2 क्वेश्चंस आराम से ही आ जाते हैं। और तो आप ध्यान रखिएगा ऊंचाई दूरी के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि में दोनों में कभी कभार 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक एक का साधारण ब्याज का, एक आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरी बात करेंगे हम क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्रमिति में आपसे जो पूछा जाता है वो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल निकालना पूछा जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है वो त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इधर पे क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 टॉपिक बताए। यदि आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए तो मैं आपको बता दूंगा आपके 15 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। यदि ईमानदारी से आपने पढ़े, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से यदि आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए, 10 टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से लगा ली, तो 15 नंबर आपके तय हो जाएंगे। मैं आपको ये दावा नहीं कर रहा हूं कि आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे, 20 में से 20 नहीं चाहिए। आप यदि थ्योरी पोर्शन अच्छा कर ले रहे हैं, थ्योरी में यदि मान लिया 20 नंबर की थ्योरी है, आप 17 से 18 नंबर लेकर आ रहे हैं और 15 नंबर इसमें ला रहे हैं, तो आपको मेरिट में आना ही आना है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपसे इस प्रकार का गुमराह नहीं कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप जो स्कोर कर रहे हैं उसमें बेहतर स्कोर कैसे कर पाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बेहतर स्कोर कैसे कर पाए, क्योंकि कमजोर छात्रों के लिए गणित में काफी परेशानियां होंगी, क्योंकि 20 नंबर की जो गणित पूछी जाती है ये समझिएगा आपकी लाइफ चेंज कर देती है, जो आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट मैथ्स माना जाता है यहां पर, क्योंकि 20 नंबर या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, आप इसमें तुक्का लगा नहीं सकते हो। इसलिए ध्यान रखिएगा इतने 10 टॉपिक कवर कर लो, अच्छे से कर लो, आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको कोई जरूरत है तो हमारे एएस अकेडमी के माध्यम से आपको जेल प्रहरी की अब लाइव क्लासेस दी जाएंगी, तो आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण, यदि आप जेल प्रहरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और 10 टॉपिक कवर कर लो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।